بسم الله الرحمن الرحيم। किन चीजों से रोजा टूट जाता है? नंबर एक, कान और नाक के अंदर दवा डालने से। नंबर दो, जानबूझकर कह और उल्टी करने से। नंबर तीन, कुल्ली करते वक्त हलक में अगर पानी उतर जाए। नंबर चार, औरत के साथ आदमी बोसो किनार कर रहा हो और उसकी वजह से उसको मनी निकल जाए। मजी से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर मनी निकल जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। नंबर पाँच, कोई ऐसी चीज़ निकल जाना जो आम मतन खाई नहीं जाती, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, लोहा वगैरह है। नंबर छः, लोबान या ऊद वगैरह का धुआं इरादतन अपने नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए उसके अंदर लेना। नंबर सात, भूल कर खा पी लिया हो और खा पी लेने के बाद ये समझा हो कि इससे रोज़ा टूट जाता है और फिर उसने उसके बाद इरादतन खा लिया हो। नंबर आठ, रात समझ कर सुबह सादिक के बाद सहरी खा ली, यानी सुबह सादिक हो गई लेकिन उसको पता नहीं था, उसके बाद भी उसने सहरी का खाना खा लिया। नंबर नौ, दिन बाकी था, अभी तो सूरज गुरूब नहीं हुआ था, मगर उसने गलती से यह समझा कि गुरूब हो गया और उसने खा लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है।